रही पीर पिया मेरे जाई बसे परदेस में। बालाजी कैसेट के सौजन से ये जो गीत लेकर के चल रहे हैं, धर्मेंद्र की पत्नी एक दिन बोली, तेरा की उठी रही पीर पिया मेरे जाई बसे परदेस में। अपनी सहेलियों से समझा करके बोली कि पति को तो मेरी कतई चिंता ही नहीं है, अब चिंता होए कि नहीं अवधेशु तो समर पे डरे रात। मेरा की उठी रही पीर वे निपते जाई वसे परदेस में। बोली जाई बसे परदेस में।
करे हमारी बेकरे जिन्हें सुध होए अब उन्हें सवर सही फुर्सत न है। बोली अरे कैमर जवीर सुनो अब दे सुई नकी लीला न्यारी अरे कैमर जवीर सुनो अब दे सुई नकी लीला न्यारी ग्रामीण अंचलों की यही दशा हो जाती है। पत्नी अपनी सहेलियों से समझाती हुई बोली क्या बोली गुरुदेव मझिया पे बिजली परे बोली मझिया पे बिजली परे मझिया पे बिजली परे दैया मझिया पे बिजली परे मझिया पे बिजली परे बरिए मझिया पे बिजली परे मझिया पे बिजली परे हाय मझिया पे बिजली परे कहाँ करवाई बहन पत जाए बसे परदेश में कहाँ करवाई बहन जाए पति बसे परदेश में अरे जाए बसे परदेश हमें पिया जाए बसे परदेश में अरे जाए बसे परदेश में यानी जाए बसे परदेश में मेरे पिन से मिलाए दो तेल बहन पत जाए बसो परदेश में लंका से मिलाए दो बालाजी कैसेट स्टूडियो राजा का रामपुर भ्राता श्री धर्मेंद्र के सौजन्य से वो बहन अपनी सहेलियों से आपस में बताती हुई बोली तब तक दूसरी सहेली और आ जाती है और दूसरी सहेली जब सामने खड़ी हुई है तो वो सहेली दूसरी सहेली से बोली तू का तेरे पति कैसे हैं तो बाप ने सहेलियों से बोली हमारे पति की बात कर रही तुमने अपने पति की बात कोई बताए बेरा की उठी रही तीर बहन पत जाए बसो परदेश में बेरा की उठी रही तीर बहन पत जाए बसो परदेश में जाए बसे परदेश में पिया जाए बसे परदेश में जाए बसे परदेश में यार जाए बसे परदेश